सच्चा सिंह यादव को बांटा हमसे, वो गुरुद्वारे में बैठने वाले उस सीख के हलवे जैसा था जो मुँह में रखते ही भूल जाते हैं। और मुझे लगता है इसी हलवे को खाने की ललक में निरुपम जी ने आपने वो दया किया थी। नेक्स्ट स्पीकर इज मिस्टर काशीनाथ सिंह। ही इज अ हिंदी स्कॉलर, अ कल्चर स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट, एंड ही स्टडीड एंड टॉट एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ही इज बीन अवार्डेड विद द शरद जोशी सम्मान, साहित्य भूषण, कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान एंड द साहित्य अकादमी अवार्ड। ही विल रीड फ्रॉम हिज बुक काशी का अस्सी, व्हिच हैज बीन मेड इनटू अ प्ले बाय डायरेक्टर उषा गांगुली, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी मेड इनटू अ फिल्म कॉल्ड मोहल्ला अस्सी बाय डायरेक्टर चंद्र प्रकाश त्रिवेदी। काशी जी अभी बता रहे थे कि कैसे एक बार अपनी पत्नी को बिना बताए कि गैर शहरों की खाब खाने चले गए, तो जब वो वापस काशी लौट कर आए मुझे लगता है उसमें कोई तो बात रही होगी। वो बात क्या है हम सुनना चाहेंगे काशी जी। आदरणीय ओम थानी साहब और हमारे सामने बैठे हुए लेखक, पाठक और मित्रों, मेरी ये गुजारिश है ओम थानी साहब से कि ये कराची यात्रा वाली पुस्तक जल्दी से जल्दी लाएं, हम पढ़ने के लिए बेसब है। तो विषय है बोली बानी। मैं बनारस की बोली बानी आपको सुनाऊं, इसके पहले मेरे दिमाग में आ रहा है कि बानी अलग से एक चीज होती है, उसे पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं। पूर्वांचल में तुलसीदास की चौपाई के साथ एक टुकड़ा जोड़ देते हैं, उसे बानी बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम जब पढ़ते थे इंटरमीडिएट में तो जहाँ क्लासेस होते थे हम लोग, उसके सामने बहुत बड़ा फुटबॉल का मैदान था और एक थे हम लोग के अध्यापक त्रिलोचन पंत, मालवीय जी के बहुत प्रिय हुआ करते थे। त्रिलोचन पंत इतने मोटे, बहुत